गुरुग्राम में एक बार फिर भारत की संस्कृति की झलक नजर आएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर के सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। गुरुग्राम में मेला 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में लगाया जाएगा, जहां देश के 30 राज्यों से आई 900 दीदी अपनी कला और संस्कृति से जुड़े हस्तनिर्मित उत्पादों की 450 स्टॉल लगाएंगी। इस सरस मेले में अलग अलग राज्यों से आई लखपति दीदी अपने स्टॉल्स लगाएंगी, जिससे न सिर्फ उनकी बिक्री बढ़ेगी बल्कि उन्हें बिजनेस करने से संबंधित जानकारियां भी मिलेंगी। इस मेले में एक नॉलेज पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें लखपति दीदी को कैसे और ज्यादा मजबूती के साथ बिजनेस करना है इसके बारे में बताया जाएगा। साथ इस मेले में अलग अलग राज्यों के ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिनमें उन राज्यों से संबंधित सामान के स्टॉल और उस राज्य के विशेष व्यंजन भी रहेंगे। जी, गुरुग्राम के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़े स्केल पे और बहुत अलग तरह का मेला होने जा रहा है, क्योंकि इसमें देश भर की जो हमारी महिलाएं हैं, दीदियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगी। एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट यहाँ पे होगा, एक तरीके से पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे जा सकती है, एंजॉय भी कर सकती है, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स परचेज करने को, खरीदने को, देखने को मिलेंगे, जो वैसे नॉर्मल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में या मॉल्स में फैमिलीज को, लोगों को नहीं मिल पाते या देख पाते। तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि ज़रूर अपनी परिवार के साथ 13 तारीख से 29 तारीख के बीच में जो मेला होने जा रहा है उसमें जाएं। और प्रशासन की तरफ से हमने भारत सरकार का जो रूरल फंड मिनिस्ट्री है उनके साथ पूरा हम सहयोग कर रहे हैं, उसमें हमने दीदियों की मदद के लिए कुछ कॉलेज से वॉलंटियर्स भी लगाए हैं, ताकि वो भी इस स्कीम को, लखपति दीदी किस प्रकार से वो काम करती हैं, किस किन मुश्किल परिस्थितियों में काम करके अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनको सेल करती हैं, वो चीज़, वो जो उनकी जर्नी है, उनकी जो यात्रा है, उसको समझें। और 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक सरस आजीविका मेला गुरुग्राम में आयोजित हो रहा है, लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित हो रहा है। इसमें इस बार 450 स्टॉल्स जो पेविलियंस हैं स्टेट्स के वो लगेंगे, जिसमें 850 से अधिक जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं और लखपति दीदियां हैं वो इसमें भाग लेंगी। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी बवाने का, वोकल फॉर लोकल करने का, उसका इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसी के हिसाब से इसमें कार्य कर रहा है। और जो हमारी दीदियां यहां पर आएंगी, न केवल वो अपने उत्पाद यहां पर अपने बेचेंगी, सेल करेंगी, बट वो और उनके लिए लर्निंग सेशंस भी हम ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वो जब यहां पर आएंगी तो वो बहुत कुछ सीख कर जाएं। जो स्वयं सहायता समूहों की दीदियां हैं उनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय 10 करोड़ महिलाओं के साथ, दीदियों के साथ अभी कार्य कर रहा है। 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनके साथ ये कार्य हो रहा है। और जो सरस आजीविका मेला है ये डेली उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए होगा, उनको एक मार्केटिंग का एक माध्यम और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बनाया गया है। ये मेला डेली रोजाना 11 बजे से रात को 9:30 बजे तक के लिए होगा, और इसमें साथ में हर तरह की प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ, और जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो हरियाणा राज्य आजीविका मिशन है, उनके सहयोग के साथ हम इस मेले को एक अलग सिरे पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे यह विनम्र निवेदन है कि आप सब अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आइए, और न केवल इंडिया फूड कोर्ट में जो हमारे लोकल क्विजींस हैं उनका आनंद लीजिए, बल्कि हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स का खरीदारी कीजिए, और दीदियों को लखपति दीदी बनाने में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का सहयोग कीजिए।